सो so गाइज खेलना तो सबको आता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किल कैसे निकाले जाएं और क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ और मेरे टीममेट साथ में यूज करते हैं जिससे हम 20 प्लस किल्स निकालते हैं और आप लोगों ने बोला था कि एक वीडियो लाओ जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा किल निकाल पाएँ सो गाइज पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ एक गेम प्ले को मैंने अपने एनालाइज किया था उसके बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं पूरी आपको स्ट्रेटी बताने वाला वालों कि आखिर खेलते कैसे और क्या गन्स यूज करते हैं क्या ड्रॉप लोकेशन रहती है सो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरी एंड तक देखना बिकॉज हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कोई भी मिस करोगे तो आपको किल्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा बिकॉज़ जब तक पूरा इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक जाके आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे और काफी ज्यादा लोग होते हैं जो मेरी ड्रिल्स देखते हैं करते नहीं और फिर बोलते हैं वो हेल्प नहीं करिए so आप डेडिकेटेड नहीं हो तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे सो so गाइज यही आज की वीडियो आपको बताऊंगा कैसे किल ज्यादा करने और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट वीडियो सो so गाइज सबसे पहले बात आ जाती है अपनी ड्रॉप लोकेशन की सो so गाइज आपको ड्रॉप लोकेशन ऐसी लेनी है जो स्टार्टिंग में हॉट ड्रॉप जो आपको मिलेगा मान लो कि आप पोचिंकी से प्लेन जा रहे हैं और वहां जॉर्जो पुल से आ रहे हैं पोचिकी से जाके नोवो वाली साइड जा रहे हैं सो गाइज आपको सबसे पहले जॉर्जो पुल में उतरना है क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम लोग जो होंगे जॉर्जो पुल में उतरेंगे और आप आगे आगे जाते रहोगे तो आपको और भी बंदे मिलते रहेंगे मैप में सो आपको सबसे पहले फर्स्ट हॉट ड्रॉप लेना है और हॉट ड्रॉप को सर्वाइव करना आना चाहिए आपको चाहे थोड़ा स्लो खेलो लेकिन चार पाँच किल आपको पूरे स्टार्टिंग में निकालने पड़ेंगे और अच्छे से लूट करनी पड़ेगी उसके बाद जाके

Close के लिए लेकिन आपको असॉल्टिंग ही करनी पड़ेगी बिकॉज क्या होता है आप नॉक दोगे अगर अपने स्नाइपर वगैरह से तो वो आपके किल कंफर्म नहीं हो पाएंगे और वो लॉन्ग रेंज और मिड रेंज वाली फाइट हो जाती है सो so गाइज उसमें क्या होता है अगर आपके पास कोई बंदे आ जाते हैं आपके ऊपर रश हो जाता है डायरेक्टली तो आप दो बंदों को तो नॉक कर सकते हो लेकिन आपका रीलोड आ जाएगा और आप नहीं मार पाओगे सो गाइज हमेशा जब भी आपको ज़्यादा किल निकालने तो आपको ट्राई करनी है कि आपको असोल्टिंग ही करनी है और आपने देखा होगा कि असोल्टर्स का ही की ज्यादा होता है जो अपने डी वगैरह यूज करते हैं जो प्लेयर और जो स्नाइपर्स होते हैं उनका की अक्सर कम होता है बिकॉज क्या सीन होता है असल्टर्स को ज्यादा किल मिलते हैं बिकॉज उनके पास दो गन्स होती हैं यानी कि एट्टी बुलेट्स होती हैं उनके पास और एट्टी बुलेट्स में आप आराम से एक स्क्वाड के दो स्क्वाड को खत्म कर सकते हो अगर आप अच्छे से असोल्टिंग करते हो तो सो गैस नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपको बंदों को फाइंड कैसे करना है आपने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ढूंढने ताकि आप किल निकाल पाओ बिकॉज क्या होता है मैप में हमें ही नहीं मिलते रहे और हम घूमते रहते हैं और हमारे किल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं वो और कोई प्लेयर ले जाता है सो so पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं एक, मतलब ऐसे आपको इमेजिन करो कि आप लोग जॉर्जो पुल में होते हो ठीक है थीके? आपने पूल में एक स्क्वाड को खत्म किया आपने चार पांच किल वहां पे निकाल मतलब दो तीन टीम को मारा चार पांच किल आपने निकाल दिया अब गाइज क्या होता है सबसे मेन चीज होती है बंदों को ढूंढना कैसे ठीक है जब ढूंढोगे तभी तो मार पाओगे तभी तो फाइट्स होंगी ठीक है आपने क्या करना है अगर आप मान लो जॉर्जियो पुल में होते ठीक है जॉर्जियो पुल से आप जोन जाना है आपने रोजोक की तरफ ठीक है सेकंड चीज आपने रोजोक की तरफ जाना है रोजोक से आपनेक्स्ट हॉट ड्रॉप वाली चीज़ पे जाना जहां पे लोग उतरते हैं चांसेस ज्यादा है। स्कूल, स्कूल से जाना स्कूल अपार्टमेंट्स में स्कूल अपार्टमेंट्स के के निकाली निकले फ्यूल कैन अपने जल्दी जल्दी वहां से निकले गए पोचि में पोचिकी में गए वहां पर क्लियर किया स्क्वाड को वहां पे क्लियर करने के बाद आप लोग गए ब्रिज वाली साइड बिकॉज काफी ज्यादा लोग होते हैं आईलैंड पे उतरते हैं यानी ब्रिज के उस साइड उतरते हैं वाली साइड तो वहाँ पे जाकर चेकआउट करना है वहाँ पे मिलेंगे जाओ फॉर्म में जोन नहीं आता उनको मारना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है देन उनको जाके मारो देन नोवो के ब्रिज पे जाओ और आपको ब्रिज ब्लॉक नहीं करना है आपको सीधा घुसना है और मारना है अगर ब्रिज ब्लॉक होगा आपका सामने तो तब आप एक दो नॉक देख के जा सकते हो घुस सकते हो लेकिन आपको ब्रिज ब्लॉक नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है आपने कभी फोर वर्सेज फोर नहीं खेलना अगर आपको किल चाहिए देन आपको जाना पड़ेगा टू वर्सेस फोर या वन वर्सेस फोर वन वर्सेस फोर मत ही जाओ बिकॉज नॉक अगर हो गए तो मतलब डायरेक्टली फिनिश हो जाओगे एटलीस्ट तीन बंदे या फिर आप दो बंदे रह के खेलो उससे क्या होगा आपके किल कम डिवाइड होंगे मान लो आप लोगों को फिफ्टी लोग मिलते हैं आपको ठीक है मैच में फिफ्टी लोग मिलते हैं तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव किल्ल भी आप अगर दोनों मिलकर करोगे तो आप इजिली मार सकते हो बस आपकी मतलब खेलना आना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्लोज रेंज लो जाके आपका क्लोज रेंज भी अच्छा होगा और क्लोज रेंज में आपको ज़्यादा किल मिलते हैं एज कंपेयर टू मिड रेंज बिकॉज तब क्या होता है वहाँ पे आप किसी को नॉक करोगे तो वहाँ जाके आप उनको जब तक पुश करते तब तक तो वो हील हो जाएंगे मतलब वो सीन अलग हो जाता है तो आपको अपनी क्लोज रेंज अच्छी करनी पड़ेगी और अगर आपकी क्लोज रेंज अच्छी नहीं है देन मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आप जाके देख सकते हो नूब टू प्रो सीरीज़ में सो कहीं सिंपल सा फंडा है ठीक है कोई जादू नहीं है कोई ट्रिक नहीं है कोई हैक नहीं है इसका सिंपल सी चीज़ है आपको खेलना अच्छे से आना चाहिए आप असॉल्टिंग करो असॉल्टिंग करके सीधा घुस जाओ क्लोज रेंज में और आपको मेन हॉट हॉट प्लेसेस पे जाना है जहाँ पे ज़्यादा लोग उतरते हैं जैसे कि जॉर्जो पुल जॉर्जो सिटी देन उसके बाद पोचिंग की आ गया रोजो का आ गया स्कूल स्कूल अपार्टमेंट्स देन मिलिट्री बेस वाली साइड पे आपको घुस घुस के मारना पड़ेगा तब जाके आपके ज्यादा किल होंगे और मैं इसी तरह खेलता हूँ मेरा मैं मे, और मेरे टीम सब ऐसे ही खेलते हैं हम कभी भी फोर वर्सिज़ फोर बहुत ही कम मतलब टाइम होता है जब हम ऑनलाइन होते हैं बिकॉज हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव खेलते हैं तो जब भी आते हैं हम टू वर्सिज़ फोर थ्री वर्सिस फोर या वन वर्सेज फोर खेलते हैं वन वर्सिज फोर अगर आपको खेलना है देन आप लिविक में जाओ आपको ईजिली गन भी मिलेगी कवर भी मिलेगा ईजी है वहाँ पे लेकिन वहाँ पे थोड़े हैकर आ जाते हैं अगर आपकी अच्छी लीग होगी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज कि आपको जब स्टार्टिंग की लॉबी होगी जब आपका सीजन न्यू स्टार्ट हुआ होगा तब आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा ज़्यादा किल करने की थर्टी थर्टी फाइव किल भी आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से खेलते हो बिकॉज बाद में क्या होता है बाद में अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वही आते हैं हायर लीग में तो आपको वहाँ पर किल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आपकी गन पावर होगी मेन चीज़ जो है स्किल सेट है वो होगा देन आप इजिली किसी भी स्क्वाड को वाइप कर सकते हो किसी को भी मार सकते हो सो मेक श्योर करो दो बंदों के साथ खेलो असॉल्टिंग करो स्नाइपर्स को छोड़ दो थोड़ा टाइम के लिए प्रैक्टिस उनको करो वॉर वगैरह कहीं पर जाके लेकिन छोड़ दो मैचेज में जब आपको ज्यादा किल चाहिए क्लोज रेंज में घुसो लूटो गाड़ी उठाओ जाके मारो लूटो गाड़ी उठाओ जाके मारो सिंपल सी ट्रिक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे ही मैं खेलता हूँ आप लोग भी ऐसे खेल सकते हो ट्राई कर सकते हो लेकिन अगर आप मर जाओगे या फिर आप बोलोगे भाई मैं गया मैं मर गया दे आपकी गलती है बिकॉज आपको अच्छे से फाइट लेना नहीं आता है देन अगर अच्छे से फाइट लेना नहीं आता है तो प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाओ ट्रेनिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने डाल दिया है सो गाइज़ यही था आज की वीडियो में आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक कर देना और मेक श्योर करना अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट